हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल का रायता। तो उसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम फेटा हुआ दही, 5-4 छोटे चम्मच शुगर, पाइनएप्पल। कुछ पाइनएप्पल को हमने बड़े बड़े पीसेस में चॉप किया है और कुछ पाइनएप्पल को हमने छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया है। जो बड़े पाइनएप्पल के पीसेस हैं हम उनकी प्योरी बना लेंगे। यहाँ लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। पीसेस की हमने प्योरी बना ली है। यहाँ लिया मैंने एक पैन, अब इसमें प्योरी डाल देंगे। और शुगर अब मीडियम फ्लेम पर हमें शुगर को मेल्ट करना है। शुगर मेल्ट हो गई है, हमने जो पाइनएप्पल अब डाल देंगे पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस। बीच में चेक करते हुए 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब ये तैयार है, अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अगर पाइनएप्पल खट्टा है तो आप शुगर अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब पाइनएप्पल ठंडा हो गया, अब हम दही में डाल देंगे। मैं तो नीचे कर रही हूँ। अब डालेंगे भुना जीरा पाउडर और नमक। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। रायता हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।